तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राम जानकी महल मंदिर के पास में। श्री राम जानकी महल मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और वहाँ पर तरह तरह के मतलब जितने भी सालिग्राम भगवान होते हैं वो सब हम लोगों ने देखे। और ये देखिए नंदू के साथ में हम लोगों के नंदू गोपू गोपू हैं हम लोगों के साथ में। नंदू जो है वो मोहित के साथ में है और अब हम लोग जो है आगे जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम है और यहाँ पर अभी आगे देखिए अत्रि मनु का माता सती अनुसुईया एवं बाल रूप त्रिदेव दर्शनम है अनुसुईया मंदिर माता। और ये देखिए ये सब झूला चला रहे हैं यहाँ पर इनको। और यहाँ पर माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य देखिए आपने यहाँ पर तीनों पापा झूला झुला रहे हैं पापा झूला झुला रहे हैं यहाँ पर देखिए। मतलब सच में एक चित्रकूट एक ऐसा सच्चा धाम है जहाँ पर आप आएंगे तो आपका मन पवित्र मतलब प्रसन्न हो जाएगा प्रफुल्लित हो जाएगा। बहुत ही सुंदर धाम है यहाँ पे। ये देखिए विशाल मूर्ति है ये देखिए हमारे राम जी के चरणों में चारों धाम। जय हनुमान बाबा। इस मंदिर में आपको जगह जगह चंदन मिलेंगे और इतना सस्ता चंदन 10 रुपये का 250 ग्राम इसमें इतना चढ़ जाता है। और मम्मी ने भी लिया है हिंदू के लिए और गोपू के लिए पीछे पीछे आ रही है। ये देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी विराजमान। और ये देखिए ये लेटे हैं क्या हनुमान जी ना देखिए आप। ऐसे मंदिर आपको सिर्फ चित्रकूट में ही देखने को मिलेंगे बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर एक और मंदिर जिसका नाम है प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर अंदर क्या है। सबसे
सबसे पहले घंटा बजाएंगे। ये देखिए हम लोग चल चुके हैं आगे की ओर, और अभी तक हम लोगों ने आराम नहीं किया है, बस चलते ही जा रहे हैं, थक चुके हैं। ये पानी बोतल दिखा दी, पानी पी लो। श्री कामतगिरी कामधेनु दक्षिण द्वार का मंदिर है, और काफी ऊंचाई है, काफी देखिए कितना ऊंचाई में बना हुआ मंदिर है ये। और ये है श्री कामतगिरी तृतीय मुखारविंद। देखिए कितना पुराना बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने जमाने का है। यहाँ सारे दृश्य आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और अभी हम लोग जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं आराम, काफ़ी थक चुके हैं। उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग निकलेंगे। बहुत बेचारा देखो सबसे बढ़िया है दोनों। तो अब हम लोग आ चुके हैं ये पकते हुए पर्रा के श्री हनुमान मंदिर जी। चलो यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। ये सारे प्लेसेस आपको कामतानाथ मंदिर में ही मिलेंगे। तो यहाँ जो मंदिर हम जिस जगह पर आए हैं, यहाँ की ये मान्यता है कि जो यहाँ पर जो हनुमान जी की मतलब मूर्ति जो है वो स्वयं स्थापित हुई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हवन वगैरह भी कराते, यज्ञ होता है। ये आप देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इस मंदिर में डेली जो है भंडारा वितरण होता है, लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए, सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। अगर आप इस टाइम पर यहाँ पर आते हैं तो आपको प्रसाद खाने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये बंदरों की उछल कूद देख सकते हैं। हम लोगों की परिक्रमा जो है वो पूरी हो गई है, और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कामतानाथ मंदिर में। 5 किलोमीटर की हम लोगों ने पूरी परिक्रमा कर ली, और हम लोग जिस जगह पे सुबह आए थे उसी जगह पे पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं नज़ारे, इसी जगह पे हम लोग आए थे सुबह, और इसी जगह पे वापस हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर वापस। सुबह हम लोग 9 बजे से स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने परिक्रमा, और हम लोग आए 2 बजे नीचे। तो हम लोगों ने करनी है मंदिर के दर्शन, हम लोग आ चुके हैं नीचे की ओर, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस।